जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रम्भेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। वो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, 1 पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, 1 रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को, उस जल को सुबेरे दोपहर शाम 3 बार श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा।